स्टूडेंट्स, मैं अतुल दुबे स्टर्लिंग स्कूल बरावा से। आज आपको क्लास फिफ्थ के मैथ में हम लोग एक्सरसाइज 1C में पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, अभी इसके बाद सेकंड पार्ट आपको मिलेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कंपेयर ईच पेयर ऑफ द नंबर एंड पुट द साइन ऑफ लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल इन ईच बॉक्स। जो बॉक्स यहाँ दिया गया है, इन बॉक्स में आपको नंबर्स को देख करके कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, जो नंबर बड़ा है उधर की तरफ आपको ओपन करना है और जो नंबर छोटा है उधर की तरफ आपको क्लोज साइन करके लगाना है। और अगर दोनों नंबर्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल हैं तो इक्वल का साइन आपको लगाना है। चलिए पहला कुछ नंबर देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ए वाला, उसमें क्या लिखा गया है? देखिए लिखा गया है 8,32,224। पहला लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन है और राइट हैंड साइड में है 8,32,250। तो आप आराम से देख सकते हैं कि 8,32,000 तक दोनों नंबर सेम है। ये 224 है, ये 250 है, तो 250 निश्चित रूप से आपका बड़ा है, तो आपको साइन लगाना होगा ये इसकी तरफ, यानी कि ओपन करना है आपको ग्रेट नंबर की तरफ, ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ, और आपको क्लोज करना है लोवेस्ट नंबर की तरफ। इसी तरह से दूसरा नंबर पढ़ेंगे तो होगा 23,89,985 और ये 9,56,876। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये 23 लाख है, ये 9 लाख है, तो आपका ये बड़ा हो जाएगा, 23,89,985 बड़ा होगा और 9,56,876 आपका छोटा होगा। आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन होगा यहाँ पे इस तरह से 1C में, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। अब नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं हम लोग। नंबर सेकंड पे है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7-डिजिट नंबर्स विद द गिवन डिजिट। ये जो डिजिट दिया गया है, इन डिजिट से आपको इसमें 7 डिजिट दिए गए हैं। 7 डिजिट का यूज करके सबसे बड़ा नंबर, इन्हीं 7 डिजिट का यूज करके सबसे बड़ा नंबर और इन्हीं 7 का यूज करके सबसे छोटा नंबर आपको बनाना है। तो आपको जब सबसे बड़ा नंबर बनाना होता है तो आपको इस डिजिट में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में ऐसे जाते जाते सबसे छोटा नंबर होगा उसको लिखना होगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो सबसे बड़ा डिजिट है वो है 7, उसके बाद है 6, फिर उसके बाद है आपका 5, फिर है 4, फिर है 3, फिर 2 और लास्ट में है 1। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 डिजिट का आपका नंबर, ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। इसी तरह से जब हम लोवेस्ट नंबर की बात करेंगे तो लोवेस्ट नंबर में आपको देखना क्या है कि सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा, यानी कि ग्रेटेस्ट डिजिट का आपको राइट साइड से पलट करके लिख देना है। देखिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 और 7, इस तरह से ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, सबसे छोटा नंबर बनेगा। इसी तरह से बी वाला है, इसमें 0 है, तो ये कन्फ्यूज ना होइए आप लोग। जब ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे तो हमको आसानी से बनेगा, सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर आपका 8 है, 8 लेंगे, 8 के बाद है आपका 6, फिर है 5, 5 के बाद है आपका 4, 4 के बाद है 3, 2 और लास्ट में है 0। आप देखेंगे तो ये आपका है सबसे बड़ा नंबर, इन डिजिट से मिल करके बनने वाला ये सबसे बड़ा नंबर है। इन डिजिट को मिला करके सबसे छोटा नंबर, तो 0 लिखेंगे पहले तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसलिए 0 पहले नहीं लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर 2 है उसको लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, उसके बाद बाकी नंबर्स लिखते जाएंगे। क्या होगा, 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5, 6 और लास्ट में 8। कैसे लिखना है आपको, पहले सबसे छोटा जो नंबर है 0 के अलावा उसको लिखना है, फिर 0 लिखना है, उसके बाद इन दोनों के बाद जो बच रहा है छोटा वो लिखेंगे, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। इस तरह से आपका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना। नंबर 3 क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बहुत सारा ऐसे नंबर 2 पे ये क्वेश्चन है, बहुत सारा है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। नंबर 3 जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 8-डिजिट नंबर विद द गिवन डिजिट, यू मे रिपीट द डिजिट्स। अब इसमें 4 ही डिजिट दिया गया है, इससे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर आपको बनाना है। तो स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर आप पिछला वाला क्वेश्चन देखें ऐसे ही बनेगा, लेकिन इसमें जो रिपीट नंबर करना है, तो जब ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे तो उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको 5 बार लिखेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर के 4 ही है, हमको 5 ये लिखेंगे, बाकी 3 लिखेंगे तो 8 डिजिट का नंबर बनेगा।
और जब छोटे की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे, जो छोटा वाला नंबर है उसको 5 बार लिखेंगे, बाकी चीज़ें उसी क्रम से लिखेंगे, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा लास्ट में सबसे बड़ा, और इसमें होगा सबसे बड़ा फिर छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। इसी तरह जैसे पहले इसमें देखेंगे तो 8 8 8 8 और 8 लिख देंगे, ये 5 डिजिट बन गया। अब बचेगा आपका सबसे बड़ा, इसके बाद 6 बचेगा, फिर 4, फिर 2, आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 डिजिट का नंबर आपका बन गया ग्रेटेस्ट। इसी तरह से जब स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो 2 2 2 2 2, ये 5 टाइम हमने लिख लिया 2। इसके बाद आपका इससे बड़ा क्या है, 4 है, उससे बड़ा है 6 और लास्ट में सबसे बड़ा है 8। ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर रिपीटिंग बाय दिस डिजिट्स, गिवन डिजिट्स। इसी तरह से आपका इसमें भी होगा, इसमें हमको क्या करना है, सबसे बड़ा है 6, तो इसमें आपको बनाना है 6, 5 बार लिखना है, फिर उससे छोटा है 3, फिर सब उससे छोटा है 1 और लास्ट में सबसे छोटा है 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का नंबर आपका बन गया। इसी तरह से जब स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो इसमें 0 आ गया, तो 0 कई बार लिखने से कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा पहले 1 और इसमें अब सबसे छोटा है 0, इसको कई बार यानी कि 4 बार रिपीट करेंगे, 4 बार रिपीट किया, इसके बाद इससे छोटा नंबर, इससे बड़ा नंबर है 3 और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर है इसको 5 बार रिपीट करेंगे ही, 1 2 3 4 5 टाइम रिपीट किया, फिर उससे बड़ा है 3, फिर लास्ट में है सबसे बड़ा 6। तो ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। इस तरह से जब हम नंबर 4 पर चलेंगे तो आपको निकालना है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ईच ग्रुप। इसमें कई ग्रुप है, 3-4 दिया गया है, इसमें सबसे आपको जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है उसको चूज करना है। तो आप देखेंगे ये 25,78,310 है, ये 52,79,301 है, ये 61,98,251 है, ये 1,69,85,210 है, तो ये सबसे बड़ा नंबर आपका है। इसी तरह से आपका नंबर क्वेश्चन नंबर 3, ये काफ़ी सारा दिया गया है, इसको आपको रिपीट करके डिजिट 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, और इसको आपको इसमें सबसे जो बड़ा होगा उसको निकालना है नंबर 4 का। वीडियो की तरह आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला पार्ट जो बाकी का नंबर 5 6 7 बच रहा है, वो क्वेश्चन अगले वीडियो के पार्ट में मिलेगा। थैंक यू।